नमस्कार दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है मैं हूं कृतिका शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराजा संसार चंद जो कांगड़ा के थे उनके रूल के बारे में सो so, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ टॉपिक्स है जिनके ऊपर मेरे को थोड़ा सा कुछ बोलना था फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो हमने आंसर की बनाई थी तो उसमें देखिए हंड्रेड परसेंट तो एक्यूरेसी नहीं थी ऑब्वियसली मैंने वो पहले भी स्टार्टिंग में कहा था उसके अलावा पीपल वर वेरी एंग्री एंड ट्रोलिंग बिकॉज उनको लगता है कि ज़्यादा कट ऑफ बना दी बता दी सो so, uh, कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत सारे और क्राइटेरिया को भी कंसीडर किया जाता है जब हम कट ऑफ देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें मेनज एग्जाम है या नहीं है uh, है ना और फिर जैसे इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट भी बहुत कम थे बट इफ़ यू गाइज थिंक कि हाँ आपका कट ऑफ कम होगा यू कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम सो यू कैन स्टार्ट प्रपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू इन फैक्ट दैट इज़ द लाइक अल्टीमेट गोल सो ऑल द वेरी बेस्ट उसके अलावा टी डब्ल्यू ओ का जिनका एग्जाम आ रहा है उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है सर ने उसको देख लीजिएगा एंड द वंस हु आर प्रपेयरिंग फॉर मेन्स एग्जाम उन लोगों के लिए आंसि आपके टेस्ट सीरीज बनी हुई हैं बहुत सारे लोग दे भी रहे हैं ऑलरेडी अपीयरिंग है सो वो भी आप हमारी ऐप पर चेक कर सकते हैं third thing which I want to say is uh, that you know the ladies out there it's very unsafe uh, outside the world is very scary right now जैसी news आ रही हैं rape cases देखने को मिल रहे हैं it's very important for you uh, to be safe so बाहर जो ये जजमेंट्स आएंगी ये सब चीज़ें बाद में आती रहती हैं आपकी सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है कीप अ पेपर स्प्रे इफ़ यू कैन उसके अलावा टू ऑल द जेंटलमैन आउट there दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल टू कीप दैम सेफ वी कैन यू नो बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड सो ये हो गई बातें उसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ़ यू सो ये हो गई बातें अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ तो आज का हमारा टॉपिक है महाराजा संसार चंद की तरफ सो so, uh, मैंने कांगड़ा वाला वीडियो किया था उसमें मैंने एक रूलर छोड़ दिया था डैट वॉज संसार चंद क्योंकि इनकी जो uh, पूरा का पूरा रूल रहा है वो काफ़ी मजेस्टिक तरीके से रहा है नॉट ओनली इन टेरिटरी वाइज बट लाइक आर्ट एंड कल्चर आर्किटेक्चर सो हर तरीके से काफ़ी रिच देखा गया है सो so, आज वो चीज़ें हम देखेंगे उसके अलावा अगर हम बात करें आ, इनके आगे जो पहले रूलर्स रहे हैं घमंड चंद जो इनके ग्रैंड फादर थे आ, वो उनकी जब डेथ हुई उनके एक साल के अंदर अंदर इनके फादर चंद की भी डेथ हो गई थी इसकी वजह से दस साल की उम्र में इन्हें जो है यहाँ पर गद्दी संभालनी पड़ी थी उसके अलावा हमने कांगड़ा के और जो रूलर्स थे उन्हें देखा था उन इस, इसके इनके बाद इनका जो बेटा अनिरुद्ध चंद है उसे भी देखा था सो so, आज हम इनका जो पूरा का पूरा रूल है कैसे कैसे ये छोटे एरिया से बढ़ते गए इन्होंने अपनी टेरिटरी बढ़ाई पंजाब की तरफ जाने की कोशिश की गोरखास भी कहीं ना कहीं इनकी वजह से आए जैसे अलाइड मीन्स में कभी कभी नेगेटिव तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फॉर एग्जाम्पल वॉट आर द रीज़न्स फॉर द डाउनफॉल ऑफ राजा संसाचन सो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर सॉल्व uh, करने की कोशिश करेंगे उन्हें देखेंगे सो so, एंड तक बन रहेगा वीडियो का एंड चलिए शुरू करते हैं अगर आप हमारे लेक्चर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप टेलीग्राम से कर सकते हैं जिसका चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसके अलावा घर बैठे तैयारी करें हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं मैंने बताया आपको कि एच पी की मेन सीरीज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी तो अगर हम बात करें संसार चंद की महाराजा संसार चंद की वो काफ़ी ज़्यादा बड़े यहाँ पर रूलर देखने को मिलते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे टाइटल से नवाजा गया था छत्रपति नरेश हातिम रुस्तम और पहाड़ी बादशाह उन्हें कहा जाता था सो so, uh, ये बहुत सारे अलग अलग तरीक जैसे आर्टिस्ट को वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान दिया करते थे उनके टाइम पे हमें पता है कांगड़ा कलम कितनी तरह फेमस हुई है uh, उसके अलावा आर्किटेक्चर उन्होंने बैजनाथ को रेनोवेट करवाया मुरली मनोहर का मंदिर बनाया है ना तो so, ये सब चीज़ों की वजह से इनको अच्छे अच्छे यहाँ पर टाइटल दिए गए थे इसी ही इज़ वन ऑफ दी हाईलाइटेड रूलर्स ऑफ दी कटोच डायनासिटी ऑफ कांगड़ा सो so, अगर हम उनके बर्थ की बात करें तो 1765 में बीजापुर आपका पालमपुर तहसील में पड़ता है ये वहाँ पर उनका जन्म हुआ था और जैसे मैंने आपको बताया इनके फ़ादर थे उनकी डेथ हो गई थी एक ही एक साल रूल किया बेसिकली उन्होंने और उस वक्त दस साल के थे महाराजा संसारतन जब उन्हें गद्दी पर बैठना पड़ा तो अभी अगर हम पूरा सिनेरियो देखें तो इनके जो ग्रैंडफादर हैं घमंड चंद उन्होंने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी थी वहाँ पर और उन्होंने अपना मैक्सिमम एरिया मुगल से लेने की कोशिश की थी लेकिन अपना कांगड़ा का जो फोर्ट है उसे नहीं ले पाए थे तो यहाँ पर संसार चंद का प्राइमरी गोल यही रहेगा कि मुझे अपनी जो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या अपनी टेरिटरी है उसे ले आना है वापस से अपनी डायनेसिटी के अंदर लाइक मुझे रूल करना है वहाँ पर तो उस वक्त जो कांगड़ा फोर्ट है उसे सैफ अली खान ऑन दी बिहाफ ऑफ मुगल्स वहाँ पर गवर्न किया करते थे सो so, अब उनकी पहली जो बैटल हमें देखने को मिलती है 1786 में मिलती है जब वो करीब 21 साल के थे तो वहाँ पर वो अटैक करते हैं एंड अपना कांगड़ा का फोर्ट ले लेते हैं तो यहाँ से उनका एक्सपीडिशन जो है वो शुरू हो जाएगा इसके बाद वो छोटी छोटी रियासतों के ऊपर रूल करना शुरू करेंगे फिर आती हैं उनकी सेकेंड बैटल जिसे हम बैटल ऑफ नीरती कहते हैं ये उन्होंने चंबा के राजा के साथ की एक फर्टाइल एरिया रिलू उसके लिए तो यहाँ पर चंबा के राजा की लाइक उनको मार दिया गया था एंड उनकी मेमोरी में यहीं पर एक फेयर भी रखा जाता है सो so ये थी उनकी सेकेंड बैटल फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़े मंडी की तरफ आए नाइनटी सेवनटीन uh, में क्या हुआ कि उन्होंने उसको प्लंडर किया और माना जाता है कि इतना पैसा उस वक्त संसार चंद के पास था कि जब वो एंटर हुए मंडी में तो उन्होंने जो कवच था उनका जो आर्मर था वो आप गोल्ड का बना हुआ था तो यू कैन इमेजिन और ये भी माना जाता है दैट ही यूज़ टू हैव थर्टी फाइव लाख रुपीज ऑफ रेवेन्यू पर ईयर दैट मीन्स जो कि काफ़ी ज़्यादा है उस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो सो so, वैसे करके उसके अलावा मंडी में इन्होंने और क्या किया इन्होंने वहाँ के रूलर ईश्वरी सेन जो थे उस वक्त उन्हें प्रिजनर ले लिया था और नदौन के फोर्ट में रखा फॉर ट्वेल्व ईयर्स अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये 1792 की बात है 12 साल के बाद क्या एग्जैक्टली exactly सिनेरियो है वहाँ पर गोरखाज आएंगे और वो इनको यहाँ पर छुड़ाएंगे सो so, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है उसके अलावा सुकेत की तरफ भी आए सुकेत के राजा उस वक्त विक्रम सेन हुआ करते थे उन्होंने मना कर दिया कि हमें लड़ाई नहीं करनी है हम अलायंस करने को तैयार हैं कांगड़ा के साथ इसका मतलब ये है कि जो भी हमें बेसिकली ईयरली आपको रेवेन्यू देना होगा हम देंगे लेकिन आप हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे कुल्लू की अगर हम बात करें तो उनके उनकी जो ग्रैंडफादर हैं घमंड चंद उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पर ट्रीटी साइन की हुई थी तो जब कुल्लू के साथ लाइक उनकी संधि हुई हुई थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी फिर आता है लाहौल स्पीति वो भी कांगड़ा के अंडर देखने को मिला उन्होंने छोटे छोटे चीफ्स को रूल करने के लिए तो दे दिया लेकिन वही आपकी शर्त ये रहेगी कि आप अपना ईयरली जो रेवेन्यू है उसे यहाँ पर भेजते रहेंगे राइट right? फिर कुटलेर मैंने आपको बताया था ये सबसे छोटा ऑफ शूट है कांगड़ा का एंड इसे भी उन्होंने अपने अंडर लिया अर्की के साथ अलायंस बनाया एंड देन वो आ जाते हैं बिलासपुर की तरफ अब बिलासपुर में आपकी सतलुज बहती है सतलुज के नॉर्थ वाला एरिया तो महाराजा संसार चंद ने एनेक्स कर लिया लेकिन उसके जब आगे जाने के लिए वो सोचते हैं कि अब मैं पंजाब की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पर ही थोड़ा सा एक जो डाउनफॉल है उनका शुरू हो गया था क्योंकि देखिए उन्होंने अपनी टेरिटरी तो ले ली जितनी उनकी लाइक एंसेस्ट्रल थी लेकिन उसके बाद अब वो वाइड एक्सपेंशनिज्म की तरफ बढ़ने लगे यानी कि बहुत ज़्यादा एम्बिशस हो गए और उन्होंने सोचा कि मैं भी नीचे भी जाऊँगा बिकॉज इस वक्त तक आते आते पैसा भी था आर्मी भी थी अगर देखा जाए तो पावर तो आ ही गई थी सब लोग अंडर ही थे सो so, इस तरीके से वो सोचते हैं कि मैं पंजाब की तरफ भी जाऊँगा और वहाँ पर जब अब राजा का जो बिलासपुर का राजा है वो भी उसके साथ भी वहाँ पर उन्हें बैटल एक लड़नी पड़ती है जिसे बैटल ऑफ चैतु कहा जाता है इन 1793 नाइन्टी so, थ्री सो यहाँ पर सिरमौर का राजा भी लड़ता है जो महाराजा संसार चंद है वो आपके जीत भी जाते हैं अब देखने को यहाँ पर ये यह है कि महाराजा जो यहाँ सिरमौर के राजा है वो क्यों कैसे इन्वॉल्व हुए तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है स्टोरी ये रहती है कि महाराजा संसार चंद की बहन की शादी सिरमौर के राजा के साथ हुई थी जिनका नाम था धर्म प्रकाश अब वो बन गई नाहन की रानी तो थोड़ा लाइक एरोगेंस थी उसमें कि मेरा भाई संसार चंद है और वो बार बार राजा को सुनाती थी कि इतनी तो नाहन की आर्मी नहीं है जितने हमारे यहाँ पर घोड़े पालने के लिए महाराजा संसार चंद ने लोग रखे हुए हैं सो so, इस तरीके से थोड़ी रायरेलरी वहाँ पर देखने को मिलती है और उनके बीच में लाइक ठीक नहीं रहता थोड़ा सो so, वहाँ पर आ जाती है बात कि सिरमौर ने भी इस बैटल में पार्ट ले लिया लेकिन सिरमौर को चाहते नहीं थे अब महाराजा संसार के वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो तो वो वन ऑन वन कॉम्बैट की बात करते हैं कि महाराजा संसार चंद धर्म प्रकाश से लड़ेंगे उनकी वन एंड वन कॉम्बैट होती भी है एंड धर्म प्रकाश वॉज किल्ड इन दैट कॉम्बैट लेकिन वो सिर्फ मोर को खुला छोड़ देते हैं क्योंकि रानी उनकी बहन है सो वो छोड़ देते हैं कि हम इसे रूल नहीं करेंगे वही आप थोड़ा बहुत जो साल का भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं उसके अलावा एक और जो इस बैटल की लाइक फैक्ट देखने को मिलता है छोटा सा कि वहाँ पर एक प्रोडिक्शन की गई थी जो की थी आपके सैन फैजल शाह ने एक फ़कीर हुआ करते थे तो उन्होंने कहा कि जो भी आप मेन लीड करेगा इस आर्मी को इस बैटल में वो मारा जाएगा तो राजा पहले अपने भाई को भेज रहे थे फतेह चंद को फिर उन्होंने नहीं भेजा किसी और को भेजा एंड ही वॉज़ एक्चुअली किल्ड सो ये आगे बैटल ऑफ चेतड़ू फिर आगे जैसे मैंने बताया कि काफ़ी एम्बशस हो गए राजा संसार और उसके बाद वो गए नीचे पंजाब की तरफ और उन्होंने सबसे पहले ये आपका बज बजवारा का एरिया होशियारपुर के आसपास का जो एरिया है उसे इन्वेड किया अपने अंडर भी बिलिया जब आगे जाने लगे तो आगे एक बड़ी इमेंस जो बड़े पावरफुल रूलर जिन्होंने आपके सिख मिसल्स को वहाँ पर यूनाइट किया हुआ था महाराजा रंजीत सिंह थे अब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे उन्होंने आगे आने नहीं दिया दो बार हारे भी उनसे और वो वापस आ गए बिलासपुर की तरफ तो अब उनका प्लान था कि सतलुज के नॉर्थ वाला तो मेरे पास है सतलुज के साउथ वाला भी मैं ले लूँगा तो यहाँ पर अब हमें तीन कंटेम्प्रेरी पावर्स देखने को मिलते हैं एक तो आ गए आपके महाराजा संसार एक है गोरखाज जो काफ़ी ज़्यादा ये भी एक्सपेंशनिज्म के ही मोटिव से आ रहे हैं गढ़वाल इनके पास था सिरमौर इनके पास था तो ये बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा अगर आप इन्वेजन ऑफ गोरखास वाली वीडियो देखेंगे एग्जैक्टली exactly कि किस तरीके से वो आ रहे थे और इनको एक थोड़ा सा हेल्प चाहिए था अंदर आने के लिए जो इन्हें मिलेगी राइट उसके अलावा आते हैं महाराजा रंजीत सिंह वो भी आपके साउथ में काफ़ी ज़्यादा साउथ इन सेंस हिमाचल के साउथ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर थे तो अब महाराजा संसार चंद ने जब अटैक किया बिलासपुर पर तो वहाँ के राजा महानचंद ने किसको बुलाया अमर सिंह थापा को उन्होंने बोला कि हमें ले छुड़ाओ उनसे संसार चंद से अब ऐसा नहीं है कि वो अकेले थे अब जैसे महाराजा संसार चंद थे उसके हिसाब से सारे के सारे लोग परेशान थे कि काफ़ी ज़्यादा रूलिंग है रेवेन्यू भेजना पड़ता है तो सब ने सोचा कि जो अमर सिंह थापा है वो आएंगे जो कांगड़ा का किला है वो आप रख लीजिएगा बाकी जो हमारी टेरिटरी है वो हम रख लेंगे जबकि ऐसा होता नहीं है यूजअली जब ऐसा इन्वेजन होता है तो जो इन्वेड इन्वेडर होता है वो रुक जाता है वहाँ पर और बाकी वो रूल करना शुरू कर देता है तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ गोरखाज ने काफ़ी टाइम डोमिनेंस दिखाई भी लेकिन स्टार्टिंग में बेसिकली ये मोटिव था कि महाराजा संसार चंद को यहां पर हराना है तो आप देख सकते हैं छोटी छोटी ये जो सारी रियासतें थी ये इकट्ठी हो जाती है अगेंस्ट महाराजा संसार चंद तो यहाँ पर इनके पास बेसिकली ऑब्वियसली जो गोरखाज इनके पास आर्मी भी बड़ी थी ये जो छोटे यहां पर रियासतें हैं इनकी आर्मीज भी जुड़ गई तो महाराजा संसार चंद की आर्मी छोटी पड़ गई अब यहां पर उन्होंने एक बैटल लड़ी बैटल ऑफ महल मोरियाँ लेकिन वहाँ पर वो हार जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब लाइक अपनी टेरिटरी तो चाहिए अपना किला जो है वो चाहिए तो वो वहाँ से भाग कर आपके सुजानपुर तीरा में जाते हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सुजानपुर तीरा की कि स्थापना किसने की थी राइट right? सो so, उसके अलावा यही वो टाइम है जिस वक्त नदौन के फोर्ट से ईश्वरी सेन को फ्री करवाया था आपके गोरखास ने अब उन्होंने एक बार संसार चंद हार चुके हैं सुजानपुर तीरा गए वहाँ भी बात नहीं बनी तो वो आ गए कांगड़ा फोर्ट अब कांगड़ा फोर्ट जो है आपका वो इतने स्ट्रैटिजिक तरीके से बना हुआ था कि अगर आप वहाँ पर जाएं तो जो इन्वेडर है वो अंदर नहीं आ सकता या जिसने भी अटैकर है वो नहीं आ पाएगा अंदर और इस तरीके से बनाया भी गया था कि बारह साल तक आप अंदर रह सकते हैं राजा राजा के फैमिली और जो भी इम्पोट इंपॉर्टेंट लोग थे वो अंदर चले गए हर चीज़ जो थी वहाँ पर थी कि 12 साल तक हमें आने की जरूरत नहीं है गोरखा आर्मी भी अब इतनी स्ट्रांग थी कि वो भी चार साल बाहर बैठे रहे कि हम लोग भी वेट करेंगे कि कभी ना कभी तो वो बाहर आएंगे छोटी मोटी चीज़ें भी उन्होंने की जैसे उन्होंने उनका जो खाने पीने का सप्लाई था वो साइड से जो आता था जैसे पालमपुर वाली साइड से आता था वो कट कर दिया तो इस तरीके से वहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिली अब क्या हुआ एक्सप्लोइटेशन हो गया रिसोर्स का मिसमैनेजमेंट हो गया और चार साल के बाद वहाँ पर प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई और अब महाराजा संसार चंद को लगा कि ऐसे नहीं बनेगा हमें तो हेल्प लेनी ही पड़ेगी क्योंकि बारह साल हम नहीं रह पाएंगे अंदर सो so यहाँ पर वो एक प्लानिंग बनाते हैं बेसिकली दो लोगों से वो कॉन्टैक्ट करते हैं एक हैं आपके महाराजा रंजीत सिंह और एक हैं आपके महाराजा होलकर तो so, ये मराठा नोबल थे यहाँ पर तो उनकी प्लानिंग क्या थी बेसिकली कि मैं महाराजा रंजीत सिंह को बुलाऊंगा अपनी हेल्प के लिए वो लेकिन मुझसे मेरा किला मांगेंगे नगर कोट जो आपका कांगड़ा का किला है वो मांगेंगे लेकिन जब ऐसा पूरा बन जाएगा तो मैं महाराजा होलकर से बात करूंगा कि वो रंजीत सिंह के ऊपर अटैक करें इनहेंस मतलब कि ये दोनों आपस में लड़ेंगे मेरा किला मेरे पास रह जाएगा और टेरिटरी और गोड़खाज भी भाग जाएंगे सो so, हालांकि ऐसा होता नहीं है बाद में हमें देखने को मिलेगा लेकिन ये उनकी प्लानिंग थी तो इस प्लानिंग से वो महाराजा रंजीत सिंह के पास भी अपने भाई को भी भेजते हैं जो चंबा का वजीर है वो भी हेल्प करता है उनकी वहाँ पर और वो मिलते हैं ज्वालामुखी में सो दिस इज़ दी फेमस ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी जिसे हम बात करते हैं 1809 में ये साइन की गई थी तो यहाँ पर बात हुई लाइक एक किसान का वेश बनाकर वो निकलते हैं महाराजा संसार मिलते हैं वहाँ पर रंजीत सिंह से और वो कहते हैं Uh, उनके बीच में ये बात होती है रंजीत सिंह कहते हैं कि देखिए आपका और तो सब कुछ ठीक है लेकिन फोर्ट मैं रख लूँगा बाकी आपको थोड़ी बहुत एक जो जागीर है या छोटा बहुत एरिया है वो रूल करने के लिए दे दिया जाएगा तो मान जाते हैं रंजीत सिंह तो बाद में क्या हुआ सेम चीज़ हुई वहाँ पर रंजीत सिंह अपनी आर्मी लेकर आए अब गोरखास के बहुत सारे यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा उनके पास ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रहे थे चार साल से बाहर बैठे थे कॉलेरा हुआ पड़ा था बहुत सारे उनके सोल्जर्स मर चुके थे एंड तो वो क्या देखते हैं कि हम लड़ाई तो कर नहीं सकते वो बिना फाइट के ही बिना बैटल के ही वहाँ से भाग जाते हैं हो गए संधि पूरी होने के लिए रंजीत सिंह को अब संसार चंद अपना किला जो है देना ही पड़ता है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता सो so, ये वाली चीज़ें होती हैं एंड टिल द एंड ऑफ़ द टाइम एंड ऑफ हिज टाइम राजा संसार चंद रूल देअर जितना भी उनका एरिया था जो फोर्ट था वो उनके पास से चला जाता है गवर्नर भी वहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाता है सो so, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं काफ़ी कम टेरिटरी हो गई थी पहले थर्टी फाइव लाख रुपीज़ उनका रेवेन्यू आया करता था बाद में वो सिर्फ नौ लाख रुपए आता था लेकिन लाइक जैसे वो रंजीत सिंह को चला जाता था जो बाकी बचा हुआ है ठीक है तो फिर एट दी एंड उनका कुछ 47 सेवन ईयर्स तक उन्होंने अच्छा रूल किया एट दी एज ऑफ फिफ्टी एट ही डाइड इन Uh, 1823. सो so, ये रहती है आपकी महाराजा संसार की कहानी इसके बाद भी मैंने आपको बताया कि uh, अनिरुद्ध चंद आते हैं उनके बेटे और uh, महाराजा रंजीत सिंह के साथ क्योंकि उनकी संधि थी तो रंजीत सिंह कहते हैं कि तुम अपनी बहनों की शादी uh, जम्मू के राजा के बेटे के साथ करवा दो सो so, वो मना करते हैं उनको ठीक नहीं लगता कि नहीं और वो भाग के चले जाते हैं घड़वाल तो दिस इज़ द लाइक होल कटोच डायनेस्टी जो आपकी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है कुछ इंपॉर्टेंट रहा है सो दैट इज़ इट उसके अलावा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नॉट एक्जैक्टली इंपॉर्टेंट बट इंटरेस्टिंग इनके बारे में स्टोरीज बहुत रहती हैं लाइक जो राजा की बीवियाँ होती थी उनके साथ इनके अफेयर चल पड़ते थे या फिर इनकी एक इनकी जो एक बहुत लव स्टोरी फेमस है वो नोखू की है जो एक गद्दन थी और वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है सो so इस तरीके से ही वॉज़ अ मेजेस्टिक रूलर इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे एंड ही लेड अ वेरी गुड लाइफ सो उसके अलावा आर्किटेक्चर में भी इन्होंने काम किया हुआ है जो वैजनाथ का मंदिर है वो इन्होंने रीबिल्ड करवाया था उसके अलावा एक दरबार हॉल है जिसमें 22 दरवाजे हैं वो बनाया इन्होंने सुजानपुर तीरा में ये वहीं पर लाइक रहा करते थे तो वहाँ पर मेंटेनेंस होती थी मुरली मनोहर का मंदिर भी बनाया सो so, इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक वहाँ पर कहावत भी थी जो एक बार नदौन आए वो वापस ना जाए तो so, इस तरीके का लाइक रिच कल्चर था चाहे वो पेंटिंग है डांसिंग है एवरी थिंग सो ये थे आपके महाराजा संसार चंद सो गैट इज इट फू टूडे लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ यू वॉन्ट मी टू कवर एनी अदर वीडियो एंड कीप स्टार्टिंग ऑल द वेरी बेस्ट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो